हे हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले ICMA का तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट और अनाउंसमेंट जो हर CMA फाउंडेशन फाइनल और इंटरमीडिएट तीनों स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपडेट बताऊं उससे पहले आपसे भी छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकॉन वाले बटन उस पर प्रेस कर देना ताकि CMA एग्जाम रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट अनाउंसमेंट या नोट्स आप मिस ना कर सके। एंड अगर आपने अभी तक ग्रो नॉलेज टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ ग्रो नॉलेज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि वहाँ से कोई भी आपके एग्ज़ाम रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट नोट्स हो, इंपॉर्टेंट MTP RTP कोई भी क्वेश्चन बैंक हो वो वहाँ पे आप सभी को जल्दी मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट ऑफ CMA इंटर फाइनल फाउंडेशन स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था, सर जो न्यू सिलेबस है उसका स्टडी मटेरियल कब तक आएगा। तो CMA फाउंडेशन और इंटर का स्टडी मटेरियल आ गया था, CMA फाइनल का स्टडी मटेरियल नहीं आया था। हालांकि CMA इंटर एंड फाउंडेशन का भी पूरा स्टडी मटेरियल नहीं आया था, बट अब आपको देखने को मिलेगा सारे स्टडी मटेरियल्स। बट CMA फाइनल का जो है स्टडी मटेरियल आ चुका है। आज जो स्टडी मटेरियल होगा CMA फाइनल का उसे मैं ग्रो नॉलेज टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप जाके वहाँ पे सिंपली डाउनलोड कर लेना। CMA फाइनल की बात करूँ अगर मैं तो ग्रुप नंबर 3 जो होगा पेपर नंबर 13 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ग्रुप नंबर 4 जो होगा इलेक्टिव्स लाइक पेपर नंबर 20A स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। पेपर नंबर 20B रिस्क मैनेजमेंट एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस RMBI ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक उसी तरीके से फाउंडेशन की बात करूँ, फाउंडेशन के 3 सब्जेक्ट आ चुके हैं आपको यहाँ पे जो न्यू सिलेबस के होंगे। ये भी सिलेबस का स्टडी मटेरियल ग्रो नॉलेज टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। CMA इंटरमीडिएट का बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएंगे। आपको अगर अभी तक आप जून 2023 का एग्ज़ाम देना चाहते तो ये स्टडी मटेरियल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। नाउ अब हम बात करते हैं सेकेंड अपडेट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है CMA इंटरमीडिएट जून 2022 रिगार्डिंग। अगर आपने CMA इंटरमीडिएट जून 2022 में एग्ज़ाम दिया होगा तो आप सभी ने अगर अपना जो भी ऑनलाइन लाइक सेफ ट्रेनिंग होगा अगर आपने क्लियर किया है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं किया है तो ICMA ने जो स्टूडेंट ने नहीं किया होगा उन सभी को मेल भेजा है। 31 अगस्त लास्ट डेट है। अगर आपने 31 अगस्त के पहले अपना सेफ एग्ज़ाम क्लियर नहीं किए तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा भी हो सकता है कि उनका जो रिजल्ट होगा विथ हेल्ड करके आ जाएगा। लाइक मोस्ट ऑफ CMA फाउंडेशन स्टूडेंट ने ये प्रॉब्लम फेस किया था, उन्होंने ये प्रॉब्लम इसलिए फेस किया था बिकॉज उन्होंने अपना मार्कशीट अपलोड नहीं किया था। बट आप ये प्रॉब्लम इसलिए फेस करेंगे बिकॉज ऑफ आपने जो आपका सेफ एग्ज़ाम होगा या फिर जो भी एग्ज़ाम होगा आपने क्लियर नहीं किया होगा जून में तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इसके लिए। अगर आपने नहीं किया तो आपका रिजल्ट विथहेल्ड आएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट आता है, सर कौन से, मैंने तो ग्रुप 1 का स्टूडेंट हूँ क्या मुझे देना कंपलसरी था। नो, अगर आपने लास्ट में है आपका तो आप दे सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये एग्ज़ाम देना क्लियर मीन्स कि कंपलसरी है। नाउ हम थर्ड अपडेट की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स मुझसे बार बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं, सर मैंने CMA फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कर लिया है और अभी तक मेरा स्टडी मटेरियल नहीं आ रहा है। मैं अपने स्टडी मटेरियल को जब ट्रैक करता हूँ तो वहाँ पे एक इशू आ जाता है बार बार कि स्टडी मटेरियल ट्रैक नहीं हो रही, तो क्या करूँ सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्टडी मटेरियल है उसे खाली पोस्टल वाले स्टूडेंट या फिर जो स्टूडेंट ऑनलाइन बुक परचेज किए होंगे वही स्टूडेंट्स ट्रैक कर सकते। अब एक डाउट आ रहा है, सर मैं पोस्टल का स्टूडेंट ही हूँ बट फिर भी नहीं ट्रैक कर पा रहा हूँ। विथिन 1 मंथ के अंदर ICMA आपका जो स्टडी मटेरियल है, आपके जो भी होम होगा, आपका घर का एड्रेस आपने फिलअप किया होगा, उस एड्रेस पे स्टडी मटेरियल भेज दिया जाएगा। अगेन बता रहा हूँ, CMA फाउंडेशन, CMA इंटर, CMA फाइनल, अगर आप पोस्टल का स्टूडेंट हो तो स्टडी मटेरियल आपके घर पे आ जाएगा। इसीलिए मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को बोला था कि ओरल और पोस्टल में एक याद रहना कि ओरल का जो भी होता है आपका स्टडी मटेरियल आपको नियर बाय चैप्टर से जाके ले लेंगे, बट पोस्टल का जो भी होगा स्टडी मटेरियल आपको ICMA आपके घर पे भेजती है और घर पे भेजेगी तो 1 मंथ का टाइम पीरियड लग जाता है, कभी कभी ज़्यादा भी लगता है 1 मंथ से, बट आपके घर पे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है वो भी ई लर्निंग बुक से, लाइक ई बुक से। वो कहाँ से मिलेगा, ग्रो नॉलेज टेलीग्राम चैनल पर शेयर है ऑलरेडी। थैंक यू स्टूडेंट्स, इनके सबके माइंड में कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकॉन वाला बटन है उस पर प्रेस कर देना।